नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोकी छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत, सरकार को झटका। शुभेंदु के निर्वाचन को ममता की चुनौती, सुनवाई कर रहे जज पर उठे सवाल। कुंभ में फर्जी टेस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह पर त्रिवेंद्र सिंह का हमला। राजस्थान बीजेपी में कलह बढ़ी, पार्टी की बैठकों से वसुंधरा ने किया किनारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना नियम ऐसे ही टूटे तो तीसरी लहर जल्दी आएगी। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये तीनों जेल से बाहर ही रहेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को दूसरे किसी केस में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद रोधी कानून यूपीए को इस तरह से सीमित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके पूरे भारत पर असर हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं की जांच करेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत देते हुए यूएपीए के गलत इस्तेमाल की बात कही थी। उसने कहा था कि ऐसा लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने देवांगना, नताशा और आसिफ तीनों को नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले में सुनवाई अगले महीने होगी। तो एक तो बहुत अच्छी बात इस फैसले की ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों छात्र नेताओं की जमानत को बरकरार रखा है। दिल्ली पुलिस इसी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गई थी कि वो हाई कोर्ट के फैसले को उलटवा देगी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, और न केवल सम्मान किया बल्कि जो पूरी परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये सही फैसला भी लगता है, ये जरूरी फैसला भी लगता है। तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि दिल्ली पुलिस जो तमाम तरह की तिकड़में करके लोगों को फंसा कर परेशान कर रही है उससे उसको एक सबक मिलेगा। लेकिन ये फैसला अभी अधूरा है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है इस पूरे मामले में वो है कि यूएपीए का क्या होगा। उसे जिस तरह से पूरे देश भर में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस तो भरपूर कर रही है। दिल्ली दंगों में हमने ये बार बार देखा है, और भी ऐसे मामले हैं जो ऐसे लोग हैं जिन पर यूएपीए का इस्तेमाल किया गया है, उनको जेल में बंद रखा गया है। तो जब हाईकोर्ट ने इसमें एक बड़ा विस्तृत और समझदारी भरा फैसला दिया था तो लगा था कि अब हाई कोर्ट के फैसला जो है एक नज़ीर बन जाएगी, एक मिसाल बन जाएगी, और देश भर के कोर्ट उसके आधार पर यूएपीए के मामलों को देखेंगे और जहां ज्यादती हो रही है, जहां दुरुपयोग हो रहा है, उसको वो रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वो कह रहा है कि इस पूरे कानून के दुरुपयोग की वो जांच करेगा, इस पूरे जो भी हाईकोर्ट ने कहा है या जो अपने फैसले में उसने तय किया है उसकी छानबीन करेगा। दरअसल ये चिंता सरकार को हो रही थी, सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं उन्होंने ये प्रश्न खड़ा कर दिया था कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब फैसले आने लगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन उम्मीद करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे कानून को लेकर बैठेगा, अगले महीने इस पर अपनी ध्यान लगाएगा, उसकी दोनों पक्षों को सुनेगा, उसने नोटिस जारी किए हैं, तो वो भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिस पर हाईकोर्ट पहुंचा था, और इस कानून के दुरुपयोग की जो बातें सामने आ रही लगातार उनको रोकने की दिशा में वो भी कदम उठाएगा। क्योंकि इस कानून की वजह से जो लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर हमले किए जा रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो इस देश की आवाम के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे, उसके असहमति के अधिकार की रक्षा करे, उसके प्रदर्शन और आंदोलन करने के अधिकार की रक्षा करे। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि अभी ये अधूरा फैसला है, लेकिन अच्छी बात इस फैसले की ये है कि दो तीनों कार्यकर्ताओं की जमानत बरकरार रखी गई है।
अगली खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले दो छोटी छोटी सी गुजारिशें जो मैं आपसे बार बार दोहराता हूं, आप इससे थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, लेकिन ये चूंकि हमारे sathhindi.com के आगे बेहतर ढंग से काम करने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि कृपया सत्य हिंदी की सदस्यता योजना को पढ़िए, उसके सदस्य बनिए और सत्य हिंदी को आर्थिक योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। इसी तरह से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और इन दोनों ही के लिंक हमारे इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो उनको उनके जरिए आप ये दोनों काम कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सुनवाई 24 जून को होगी। मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस कौशिक चंद ने कहा कि इस तरह के मामले में याचिकाकर्ता को अदालत में मौजूद रहना जरूरी होता है, ममता बनर्जी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सुनवाई बाद में होगी। वहीं दूसरी ओर जस्टिस कौशिक चंद के बीजेपी से कथित संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने दो फोटो ट्वीट किए हैं जिनमें बीजेपी के समारोह में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठे शख्स के फोटो को सर्कल करते हुए उस पर घेरा बनाते हुए पूछा गया है कि ये आदमी कौन है, क्या ये वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंद हैं, क्या इन्हीं को नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही डेरेक ने कहा कि क्या न्यायपालिका इससे और नीचे गिर सकती है। एक और अन्य ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने उन मामलों की सूची जारी की है जिनमें जस्टिस कौशिक चंद बीजेपी की ओर से वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए हैं। डेरेक ने कहा है कि अब ये नंदीग्राम का केस सुन रहे हैं, कितना बड़ा संयोग है। डेरेक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर ये सही है तो काफी चौंकाने वाला है। इसके अलावा टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि सबसे पहले तो जस्टिस चंद का बीजेपी पार्टी के समारोह में शामिल होना गलत था, दूसरा फिर उनके द्वारा ही ममता जी द्वारा दायर मामले की सुनवाई करना गलत है। सिन्हा ने कहा कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले पर संज्ञान लेंगे, तो जो अभी कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, दरअसल उन पर ही प्रश्न चिन्ह पहले से लग रहे हैं। जब जो नारद मामले में तीन मंत्रियों को जमानत मिली थी, तीन नेताओं को जमानत मिली थी, तब भी हाई कोर्ट ने उसको उलटने की कोशिश की थी और उस पर सवाल उठे थे, उस समय भी ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं इन पर उंगली उठी थी। और चूंकि आप जानते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही तय करता है कि किस मामले की कौन सुनवाई करेगा, तो ये फैसला भी उन्हीं मुख्य न्यायाधीश महोदय ने किया है और ये मामला उन्होंने एक ऐसे जज के पास भेजा है जिसका बैकग्राउंड ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उनके समारोह में शामिल होने की बात हो या उनके केसेस लड़ने की बात हो। तो ये एक चिंता की बात है क्योंकि इस तरह से जो न्यायिक निष्पक्षता का सवाल है वो संदेह के घेरे में आ जाता है, और ये ऐसे मौके पर आमतौर पर ये होता है कि जो जिन जज पर ये सवाल उठ रहे होते हैं वो उस मामले की सुनवाई नहीं करते हैं, वो खुद को अलग कर लेते हैं। अब देखना ये कि चीफ जस्टिस महोदय हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इतनी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आने के बाद, और क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य प्रधान न्यायाधीश इस पर कोई एक्शन लेते हैं, क्या वो हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट का हाल का रवैया बहुत संदेहास्पद रहा है, उस पर कई तरह से सवाल उठते रहे हैं। और ये मामला चूंकि सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच का है, दो नेताओं के बीच का है, पॉलिटिकल है, और इसमें अगर निष्पक्षता नहीं दिखी कोलकाता हाई कोर्ट पे तो ये उस पर दाग लगा सकता है। अगली खबर लेते हैं, 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के साथ तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। पहले भी कुछ मामलों में सरकार के फैसलों को लेकर टीका टिप्पणियां कर चुके त्रिवेंद्र ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में तीरथ सरकार को घेर लिया है, लेकिन तीरथ ने उन पर पलटवार भी किया है। कोरोना की दूसरी महामारी के दौरान जारी रहा कुंभ मेला इस बार कोरोना की फर्जी टेस्टिंग को लेकर चर्चा में है। इस मामले में कई प्राइवेट लैब जांच के घेरे में हैं।
और उन पर आरोप है कि उन्होंने मेले के दौरान टेस्टिंग के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ये लापरवाही नहीं गंभीर अपराध है और इसे जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से त्रिवेंद्र ने चुनौती दी है कि तीरथ सिंह रावत फर्जी टेस्टिंग के इस मामले की जांच कराएं। त्रिवेंद्र के बयान के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यह उनके कुर्सी संभालने के पहले का मामला है और उन्होंने इस मामले में जांच बैठाई हुई है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो इसके दो आयाम है। पहला तो ये कि पार्टी के अंदर गुटबंदी है। पिछले मुख्यमंत्री को हटाया गया था, अचानक से तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। अब इन दोनों धड़ों में आपस में टकराव हो रहा है। उत्तराखंड की बीजेपी में तीन धड़े माने जाते हैं, लेकिन ये दो धड़े आपस में अब आमने सामने आ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से उनको हटाया गया इससे वो नाराज हैं, उनके अंदर तल्खी है। और तीरथ सिंह रावत अभी तक अपने को एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं अपने बयानों से, बल्कि वो विवादों में फंसते रहे हैं। अब ये जो फर्जी टेस्टिंग का मामला है इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हमले कर रहे हैं। उसे अब ये अगर एक ही पार्टी का नेता अपने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा रहा है कि ये आपराधिक है, ये इसे सिर्फ फर्जीवाड़ा का मामला नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव के पहले अगर पार्टी के अंदर ये कलह मचा हुआ है तो उसका असर पड़ना लाजमी है। हाईकमान को देखना चाहिए कि वो कैसे दोनों नेताओं को शांत कर सकता है। लेकिन जो कुंभ की फर्जी टेस्टिंग का मामला है वो केवल दो नेताओं से या बीजेपी की राजनीति से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि तमाम उत्तराखंड की आवाम से जुड़ा हुआ है, मेले के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और वो लाखों हिंदुओं से जुड़ा है जो वहाँ पर श्रद्धावश गए थे और ठीक ढंग से टेस्ट ना होने की वजह से उनकी जांच नहीं हुई, अपने साथ वो कोरोना लेके गए और पूरे देश भर में उन्होंने कोरोना बांटा। तो ये एक इसका पक्ष है जो ज़्यादा गंभीर है और ज़्यादा ही विकराल है, भयानक है। इस पर कार्रवाई होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगली खबर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बगावती रुख के कारण राजस्थान बीजेपी में बीते कुछ महीनों से अशांति का माहौल चल रहा है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी की राजस्थान इकाई के नए होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब हो गई है और अब ताजा खबर यह है कि वसुंधरा ने पार्टी की अधिकतर बैठकों में जाना बंद कर दिया है। द प्रिंट के मुताबिक राजस्थान बीजेपी की ओर से किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी वसुंधरा हिस्सा नहीं ले रही हैं। कोरोना काल में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कई राज्य इकाइयों की तरह ही जब राजस्थान बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया तो वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई शुरू कर दी। इसे लेकर पार्टी के नेताओं में फिर नाराजगी देखी गई। वसुंधरा पर आरोप लगता रहा है कि वो राजस्थान में बीजेपी के समानांतर संगठन चला रही हैं। राजस्थान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने द प्रिंट को बताया कि बीते कुछ दिनों में सैकड़ों वर्चुअल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनमें से अधिकतर बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। राजस्थान बीजेपी ने 9 जून को अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हैशटैग चलाया था, जिसमें राज्य के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। तो जो हाल उत्तराखंड में है, जो हाल कई और राज्यों में है, कर्नाटक में है, वो हाल राजस्थान में भी है। राजस्थान का मामला तो और भी गंभीर है, क्योंकि जो बीजेपी का हाईकमान है वो वसुंधरा राजे को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, उनको किसी तरह से मना भी नहीं पा रहा है और वसुंधरा राजे सीधे तंग कर खड़ी हैं, सीधे चैलेंज कर रही हैं बीजेपी हाईकमान को कि जो करना हो कर लो, मैं तो वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। और इस तरह से वह जो राजस्थान की बीजेपी है वो दो धड़ों में स्पष्ट रूप से बटी हुई है। वसुंधरा राजे की चूंकि अच्छी पकड़ है, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता है, इसलिए उन पर हाथ भी रखने की हिम्मत हाईकमान नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे तो मोदी और शाह ने उन्हें हटाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे और तब से आज तक यही स्थिति है। वसुंधरा राजे का वो बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति बीजेपी हाईकमान की हो रही है। जो मोदी शाह इतने शक्तिशाली दिख रहे हैं वो वसुंधरा राजे के सामने असहाय हो गए हैं।
और कई और राज्यों में भी इसी तरह के तमाशे चल रहे हैं। केरल में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को हटाने या किसी को नए को बनाने की चर्चाएं बार बार उठाई जाती हैं। तो लगातार बंगाल का मामला तो आप जानते ही हैं, तो बड़ी बड़ी बुरी हालत होती जा रही बीजेपी की कई राज्यों में, और इससे हाईकमान की फजीहत भी हो रही है। अंतिम खबर लेते हैं आज की। कोरोना के मामले कम होते ही दिल्ली में पाबंदियों में ढील दी गई है, जिसके बाद से लोग एक बार फिर से बिना सावधानी बरते कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम शॉपिंग मॉल्स में, बाजारों में जगह जगह भीड़ लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि मास्क भी नाक के नीचे उतर आए हैं। इतनी लापरवाही लोग करने लगे हैं, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग। तो इससे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस नवीन चावला और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। तो हाईकोर्ट चिंतित है, जिस तरह से अनलॉक हुआ है दिल्ली में, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, उसके बाद लोग एकदम से टूट पड़े हैं। लेकिन ये लोगों की लापरवाही तो है ही, नासमझी तो है ही, लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसकी भी अयोग्यता और नालायकपन इसमें देखा जा सकता है। वो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से नहीं खोल रही है कि इस तरह की चीजें ना हो, लोग असंयमित होकर सड़कों पर न निकल आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, मास्क न लगाएं। इसके लिए पूरी योजना होनी चाहिए कि कैसे, किन बाजारों को खोला जाए ताकि भीड़ ना हो, किन बाजारों को कब खोला जाए और कितना खोला जाए। और अभी जो हालात हैं एकदम से अभी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं, और अगर अभी लापरवाही बरती गई तो तीसरी लहर तुरंत आ जाएगी और फिर उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हाईकोर्ट की चिंता है और बहुत ही वाजिब चिंता है, क्योंकि उसने पहले भी देख लिया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कोविड से निपटने के मामले में घनघोर लापरवाहियां की हैं। बिल्कुल कहना चाहिए कि लोगों को मौत के मुंह में झोंकने लायक जैसी लापरवाहियां की हैं, और वो इस बार पहले से उन्हें सचेत कर रहा है, उन्हें बार बार धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है, ताकि वो सही ढंग से पेश आए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।